प्रेम शुक्ल जी को काम में नहीं है। इसलिए जहां जहां शुक्ल जी को लगा कि प्रेम का जो स्वरूप बृहत्तर मानवीय संवेदनाओं को और अभिष्ट की पूर्ति में सहायक नहीं है, तो उस प्रेम का वो विरोध करते हैं, चाहे वह छायावाद का प्रेम हो, चाहे वह रीतिकाल का प्रेम हो। और रीतिकाल में ही घनानंद है, जहां उन्हें लगता है कि प्रेम तो सुधो स्नेह का मार्ग है, जहां छल कपट के लिए कोई स्थान नहीं है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक संयान मार्ग नहीं। तो ऐसी जहां भावना है, ऐसा प्रेम जहां थोड़ा सा भी सयानापन नहीं है, छल कपट नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ऐसा प्रेम चाहिए। और जिस तुलसीदास के रामचरितमानस की बात शुक्ल जी बाद में करते हैं, वह प्रेम शुक्ल जी को इसलिए भाता है कि उसमें सिर्फ भार्या या प्रेमिका के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, बल्कि पिता, प्रजा, भाई, मित्र सबके प्रति प्रेम का भाव है। तो प्रेम जहां सिमट कर श्रृंगार तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि प्रेम का एक बृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामने आए, तो शुक्ल जी ऐसे प्रेम को समर्थन देते हैं। और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि छायावादी कविता का जो प्रेम का परिप्रेक्ष्य है, वह पूरे सामाजिक प्रेम को तो सामने रखने में सफल नहीं होता, वह प्रेयसी या एक अपरिचित प्रियतम के सीमा तक सिमट जाता है। वह प्रेम भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, राजा और प्रजा का प्रेम, शासक और शासित का प्रेम, इसका आदर्श उदाहरण तो नहीं रख पाता। इसलिए शुक्ल जी ने भाव या मनोविकार के जो स्थायी भाव हैं, उसको परंपरागत रूप से ग्रहण किया है, लेकिन उसको विवेचित विश्लेषित करने की जो शुक्ल जी की दृष्टि है, वह किंचित आधुनिक है, वह रूढ़िगत नहीं है, वह परंपरागत नहीं है। शुक्ल जी बिल्कुल परंपरागत ढंग से इस बात को नहीं कहते हैं। जैसे एक बात और मैं इस परिप्रेक्ष्य में इंगित करना चाहूंगा कि जैसे लोभ और प्रीति नाम के निबंध में वो कहते हैं कि प्रेम लोभ से उत्पन्न है, प्रेम भी एक प्रकार का लोभ है। अब देखिए, हमारे यहाँ क्रोध करना बहुत बुरा माना जाता है, हमारे यहाँ लोभी होना बहुत बुरा माना जाता है। तो क्रोध करना बुरा है, लोभ करना बुरा है, ऐसा माना गया है, लेकिन शुक्ल जी प्रेम को लोभ से ही उत्पन्न बताते हैं। लोभ और प्रीति में शुक्ल जी ने लोभी व्यक्तियों की बड़ी खिंचाई की है। उन्होंने कहा है कि ए मोटे आदमियों, अगर तुम दुबले हो जाते अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाते। और लोभियों को कहा है कि तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तो लोभ कैसा लोभ? वह लोभ जो अपने भाई बंधु, प्रेमी प्रेमिका के साथ साथ देश को भी सुरक्षित रखने का लोभ उत्पन्न करता है, इच्छा उत्पन्न करता है, वह लोभ बहुत महत्वपूर्ण है। लोभ का वह रूप सामने चाहिए। अब देखिए, क्रोधी या क्रोध करने को बड़ा बुरा समझा जाता है, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि अगर दीन दुखियों पर अत्याचार हो रहा है, निर्दोष का दमन हो रहा है, दुष्ट अगर संतों को कष्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में कर्तव्य बनता है एक समर्थ मनुष्य का कि वह राम की तरह कालाग्नि सदृश क्रोध को उत्पन्न करे। यह क्रोध समाज कल्याण के लिए है, यह उसके हित में है। तो क्रोध करने का मतलब किसी को सताना, कष्ट देना नहीं है। क्रोध का वह रूप जो समाज में रक्षा की स्थिति को पैदा करता है, क्रोध जो अन्याय का प्रतिकार करता है, क्रोध जो दुष्ट सबलों से निर्दोष निर्बलों की सुरक्षा करता है, ऐसा क्रोध शुक्ल जी को काम है। लेकिन
हमारे जो परंपरागत स्थाई भावों के काव्य शास्त्र में या साहित्य शास्त्र में जो विवेचन विश्लेषण है उसमें इतने गहरे और आधुनिक सामाजिक अभिप्रेत विवेचित विश्लेषित नहीं है, उनका वो उद्देश्य भी नहीं था। तो शुक्ल जी आइए रिचर्ड्स से प्रभावित थे। आइए रिचर्ड्स जीवन में मूल्य के सिद्धांतों को महत्व देते हैं, संप्रेषण के सिद्धांतों को महत्व देते हैं, वे साहित्य को जीवन के साथ जोड़ते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड का भी प्रभाव रहा होगा शुक्ल जी पर, यह कई जगह देखा गया है जहां साहित्य को जीवन की आलोचना के रूप में देखा गया है। अगर साहित्य जीवन जीने का सही दिशा निर्देश न दे पाए तो फिर वो साहित्य क्या है? स्पष्ट कहा है शुक्ल जी ने कि साहित्य आनंद की वस्तु नहीं। अगर कोई कहता है कि आनंद लेने के लिए वह साहित्य का पठन पाठन करता है तो शुक्ल जी इसको एक दिग्भ्रमित साहित्य दृष्टि के रूप में देखते हैं। साहित्य आनंद की वस्तु नहीं है, साहित्य लोक रक्षा के लिए है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने देखा कि शुक्ल जी भाव या मनोविकार संबंधी जो अपने निबंध लिखते हैं वो भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों का एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है और वह मनुष्य के अमूर्त भावों या विचारों को लेते तो हैं लेकिन जयशंकर प्रसाद के कामायनी की तरह उसका एक सौंदर्य मूलक विवेचन विश्लेषण नहीं करते हैं बल्कि समाजशास्त्रीय समाजोन्मुख विवेचन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उनका अभिप्रेत इन मनोविकार या भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों में है कि साहित्य समाज के लिए और समाज साहित्य के लिए